मित्रों आज हम महाकवि माघ के संपूर्ण जीवन के बारे में यहाँ पर समझेंगे यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें जिससे कि आप आगे आने वाले परिचयों से और जो भी संस्कृत के वीडियोज हैं उन वीडियोज से आप सीधे जुड़ पाएंगे देखें यहाँ पर महाकवि माघ का संपूर्ण जीवन परिचय देखते हैं उनका जन्म समय तो जो महाकवि माघ का जन्म समय है वह 675 सौ ईस्वी के लगभग माना जाता है इनके जो पिता थे उनका नाम दत्तक था पिता का नाम दत्तक था जो पितामह थे पितामह का नाम सुप्रभदेव जो निवासी थे यह यह राजस्थान के जो भीनमाल है श्रीमाल नाम से वहाँ पर जालोर जिले में है यह तो वहाँ के यह निवासी थे जो कि पहले गुजरात प्रांत में आया करता था इसके बाद में यहाँ पर श्रीमाल से यह भी ले लेना है कि यह श्रीमाली जो जाति थी उस श्रीमाली जाति के एक ब्राह्मण थे तो इनकी जो जाति थी वह ब्राह्मण थी इसके बाद में किम्बदंतियाँ जो कि है हमेशा अच्छा मतलब जो महाकवि रहे हैं उनके साथ चली आई हैं क्योंकि इन्होंने कभी अपना जीवन परिचय कहीं पर लिखा नहीं जिस कारण से किम्बं प्रचलित हैं तो उसमें एक किम्बदी तो यह है कि जो भोज प्रबंध है इसके अनुसार यह राजा भोज के परम मित्र थे और राजकवि थे एक जो घटना थी उसमें बताया गया था कि एक बार इन्होंने अपना पूरा धन दान में दे दिया जिसके कारण से इन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ा और इनका अंतिम समय बहुत तो दरिद्रता में गुजरा ऐसी कई जो कि घटनाएं हैं जो यहाँ किम्बदंतियों के रूप में प्रचलित हैं और जो चीनी यात्री हैन सांग था वह इन्हीं के समय में भारत आया था मतलब इनके आसपास का समय था उस टाइम पर जब यह भारत आया था तो यह भी एक साक्ष्य मिलता है उसके बाद में देखें तो जो महाकवि माघ थे इनकी केवल एक रचना थी शिशुपाल वध ही इन्होंने लिखी और इनके संबंध में एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि हर परीक्षा में पूछी जाती है माघे संति त्रयो गुणाह मतलब माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं दंडीना पदलालित्यम इसके बाद में भारवे रर्थ गौरवम तो इस प्रकार से जो भी ये श्लोक जो है इसके तीनों गुण इनके अंदर पाए जाते हैं अब देखें एक और पंक्ति आती है माघे मेघे गतम्बय इस प्रकार से एक और है नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते यह सारी की सारी पंक्तियां इन महाकवि माघ के लिए प्रसिद्ध थी इनकी जो प्रमुख रचना थी वह शिशुपाल वध थी जिसमें बीस सर्ग थे इस प्रकार से एक और जो पंक्ति है वह बहुत प्रसिद्ध है मुरारी पद चिंता चेत तदा, तदा माघे रतिम कुरु यदि जो महाकवि मुरारी हैं, उनके अनर्घ राघव को समझना है तो क्या करना पड़ेगा इस माघ के शिशुपाल पद को पढ़ना पड़ेगा और जो प्रमुख तथ्य हैं, उसमें मल्लीनाथ जी ने इस पर सर्वंकसा नाम की एक टीका लिखी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है इनकी मृत्यु जो माना जाता है कि इनकी मृत्यु पाद सोथ नामक रोग से हुई थी तो इस प्रकार से यहाँ पर महाकवि जो माघ थे उनका जीवन परिचय समाप्त तो हुआ यदि आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो अभी सब्सक्राइब करें जिससे कि आप अगले वीडियो से जुड़ पाएंगे